से कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मनी बैक क्रेडिट कार्ड जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है HDFC की तरफ से मुझे ऑफर किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो हाय गाइस, आई थिंक अब आप में से मोस्टली सभी लोगों को ये पता चल चुका होगा कि HDFC क्रेडिट कार्ड के बैन को यहाँ पर RBI ने हटा दिया है और अब इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए जो है आप यहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको HDFC क्रेडिट कार्ड को लाइव अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को जो है आपको पूरा अंत तक देखना है। और साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट और है गाइस आपसे, अगर आप जो है इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं या फिर जो है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब करें। मेरे एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग 95% व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस रिक्वेस्ट है कि जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहने का। तो चलिए अब चलते हैं सीधा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कैसे जो है आप HDFC क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस HDFC क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको गाइस अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी, सुपर प्रीमियम, लाइफस्टाइल। तो इन सभी कैटेगरीज के अक्रॉस जो है आप HDFC क्रेडिट कार्ड्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे कि अगर मैं लाइफस्टाइल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप रेगालिया, मनी बैक, मिलेनिया और रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, इन सभी के लिए जो है आप यहाँ से ऑनलाइन अब अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को गाइस यहां पर अप्लाई करेंगे। रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड में आपको जो है गाइस एक लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड है तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं ट्रैवल कैटेगरी में, और साथ ही साथ यहां पर आपको डाइनिंग कैटेगरी और उसके अलावा जो है यहां पर आपको रिटेल स्पेंड्स यानी कि यूटिलिटी, इंश्योरेंस बिल पेमेंट्स पर भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर डाइनिंग की बात करूं तो यहां पर आपको HDFC के पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं यहां पर आपसे जो है ट्रैवल कैटेगरी की बात करूं तो एक साल में आपको यहां पर 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो है रिटेल स्पेंड्स अगर आप करते हैं इस कार्ड से कुछ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तो वहां पर हर 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जहां पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो होती है गाइस 25 पैसे होती है अगर जो है आप इसे रिडीम करते हैं स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप जो है रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के और बाकी बेनिफिट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप यहां से जो है नो मोर सेक्शन के ऊपर गाइस आप यहां से क्लिक करेंगे और जो है डिटेल में आप रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के सभी बेनिफिट्स को जो है आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां से नो मोर सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बाकी आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आई थिंक आप ये सारे बेनिफिट्स जो है खुद से आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से सीधे एक बार अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर यहाँ से नीचे सेलेक्ट कर देंगे और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है गाइस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। मोबाइल डिटेल्स एंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पर OTP रिसीव होता है नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। OTP एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जो है गाइस आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होती है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडी, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर और आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है वो सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है गाइस आपको यहां पर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होता है, आप बिजनेस पर्सन है या फिर आप सैलरीड है, और साथ ही साथ अगर आप सैलरीड है तो आपकी कंपनी डिटेल्स और आपकी नेट मंथली इनकम, वो सारी डिटेल्स जैसे आप यहां से एंटर करेंगे गाइस तो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है आपको आप जिन क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल हैं वो सारे आपको यहां पर शो कर देता है HDFC बैंक। जैसे कि मैं जो है करंटली अभी 4 क्रेडिट कार्ड्स के लिए यहां पर एलिजिबल हूं। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से वो कार्ड्स हैं तो सबसे पहला है यहाँ पर मनी बैक क्रेडिट कार्ड दोस्तों, सेकंड है यहाँ पर HDFC का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, थर्ड है यहाँ पर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, और लास्ट और फोर्थ जो हमारा क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर ट्रैवल कैटेगरी का है, और ट्रैवल कैटेगरी के अंदर जो है मुझे इंटरमाइल्स क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिला है। तो गाइस मुझे रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिला है तो इसीलिए जो है मैं यहाँ से मनी बैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। गाइस ये भी काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, एनुअली इसमें आपको सिर्फ 50,000 रुपीज स्पेंड करने होते हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है मुझे मेरी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होती है, एकदम डिटेल में आपको बताना होता है आपकी कंपनी का एड्रेस कहां पर है अगर आप सैलरीड पर्सन है तो, अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपको अपनी बिजनेस की लोकेशन एंटर करनी होती है। तो यहां पर जो है मैं मेरी कंपनी डिटेल्स सारी यहां पर एंटर कर रहा हूं गाइस आप देख सकते हैं, और उसके बाद सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद जो है मैं यहां से कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करूंगा।
तो फिर जो है गाइज नेक्स्ट पेज के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC ने जो है मुझे अपने मनी बैक क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करने का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। तो कुछ नहीं करना होगा, एक बिल्कुल ही सिंपल ऑप्शन है। अगर मैं अपने कार्ड को लाइफ टाइम फ्री लेना चाहता हूँ गाइज, तो मुझे स्मार्ट पे के ऊपर रजिस्टर करना होगा। गाइज स्मार्ट पे कैसे, स्मार्ट पे के ऊपर जो है आप अपने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स को हर महीने ऑटोमेटिक मोड के ऊपर पे कर सकते हैं। आपका जो है DTH रिचार्ज हो गया या फिर पोस्ट पेड कनेक्शन का बिल हो गया, तो इस तरीके से जो है आप स्मार्ट पे ऑप्शन के लिए आपको रजिस्टर करना होता है। अगर आप भी जो है अभी HDFC के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप मनी बैक या फिर कोई अदर क्रेडिट कार्ड जिस पर लाइफ टाइम फ्री फैसिलिटी का ऑप्शन है, तो वो भी जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो है ये स्मार्ट पे की फैसिलिटी के लिए रजिस्टर कर लिया है। उसके बाद जो है फिर गाइज नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो आई थिंक फाइनल स्टेप होगा। तो यहाँ पर मैं अपना ID प्रूफ, अपना रेजिडेंस प्रूफ, अपने इनकम प्रूफ और बाकी अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो ID प्रूफ के लिए जो है मैं यहाँ पर अपना आधार यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं तो आपको कंसेंट देना होता है। तो ID प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ दोनों में मैंने आधार यूज किया है। इनकम प्रूफ के लिए आपको अपनी पे स्लिप देनी होती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि मैंने अपने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है गाइज आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होता है। और उसके बाद जो है फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद फाइनली गाइज आपका यहाँ से कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मनी बैक क्रेडिट कार्ड, जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है HDFC की तरफ से मुझे ऑफर किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब जो है एग्जीक्यूटिव मुझे कॉल करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। उसके अलावा जो है मैं अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकता हूँ, ट्रैकिंग ID भी गाइज यहाँ पर दी हुई है। और लास्ट स्टेप के अंदर जो है गाइज आपको अगर स्मार्ट पे ऑप्शन यहाँ पर मिलता है अगर अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करने का, तो आपको स्मार्ट पे के यहाँ पर रजिस्टर भी करना होता है साथ ही साथ। तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर गाइज, आपको सिंपली अपना DTH कनेक्शन या फिर आपका पोस्टपेड बिल कोई भी एक बिलर सेलेक्ट कर लेना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना DTH सर्विस को यहाँ पर रजिस्टर किया है मंथली ऑटोमेटिक पेमेंट्स के लिए। तो उसी तरीके से जो है आप भी सिंपली इस फॉर्म को गाइज फिल कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर अपनी कैप्चा डिटेल्स वगैरह एंटर करनी होती है। एक से ज्यादा बिल भी आप यहाँ पर ऑटोमेटिक मोड के ऊपर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और लास्ट में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा आपको फिल करना होता है और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना होता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को जो है HDFC क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।